मीडिया 24x7 लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक यादव और हाजिर हूं आपके सामने एक गजल लेकर। गजल का मतला देखें कि बहारों के नए मौसम बुलाते रह गए, बहारों के नए मौसम बुलाते रह गए, नजर में तू रहा हम जाते जाते रह गए। बहारों के नए मौसम बुलाते रह गए, नजर में तू रहा हम जाते जाते रह गए। दीवाना एक दिल की बात कहकर चल दिया, दीवाना एक दिल की बात कहकर चल दिया, महज़ब लोग सारे कसमसाते रह गए। दीवाना एक दिल की बात कहकर चल दिया, महज़ब लोग सारे कसमसाते रह गए। खास तौर पे एक शेर देखें कि किसी ने हाल पूछा था बस इतनी बात थी, किसी ने हाल पूछा था बस इतनी बात थी, मेरी आंखों में आंसू आते आते रह गए। किसी ने हाल पूछा था बस इतनी बात थी, मेरी आंखों में आंसू आते आते रह गए। बहुत चर्चे थे जिस दर की सखावत के यहां, बहुत चर्चे थे जिस दर की सखावत के यहां, वो औरों पर खुला हम सर झुकाते रह गए। बहुत चर्चे थे जिस दर की सखावत के यहां, वो औरों पर खुला हम सर झुकाते रह गए। और आखिरी शेर गजल का देखें कि वो पहले मुस्कुराए फिर लिया पहलू बदल, वो पहले मुस्कुराए फिर लिया पहलू बदल, हम ही नादान थे बस मुस्कुराते रह गए। वो पहले मुस्कुराए फिर लिया पहलू बदल, हम ही नादान थे बस मुस्कुराते रह गए। आपके सामने हाजिर हूं फिर एक और गजल लेके। गजल का मतलब यूं है कि नई नस्लों के हाथों में भी ताबिंदा रहेगा, नई नस्लों के हाथों में भी ताबिंदा रहेगा, मैं मिल जाऊंगा मिट्टी में कलम जिंदा रहेगा। नई नस्लों के हाथों में भी ताबिंदा रहेगा, मैं मिल जाऊंगा मिट्टी में कलम जिंदा रहेगा। किसी की याद आएगी मुझे दश्ते जुनू में, किसी की याद आएगी मुझे दश्ते जुनू में, किसी का नाम कोहसारों पे पाइंदा रहेगा। किसी की याद आएगी मुझे दश्ते जुनू में, किसी का नाम कोहसारों पे पाइंदा रहेगा। शेर ये देखें कि गजल कोई लिखे कैसे लबो रुखसार पे, गजल कोई लिखे कैसे लबो रुखसार पे, अब समय से अपने कब तक कोई शर्मिंदा रहेगा। गजल कोई लिखे कैसे लबो रुखसार पे, अब समय से अपने कब तक कोई शर्मिंदा रहेगा। बनाकर पाँव की बेड़ी को घुंघरू जिंदगानी, बनाकर पाँव की बेड़ी को घुंघरू जिंदगानी, करेगी रक्स जब तक दर्द सा जिंदा रहेगा। बनाकर पाँव की बेड़ी को घुंघरू जिंदगानी, करेगी रक्स जब तक दर्द सा जिंदा रहेगा। और गजल का मकता हाजिर है कि सुनो आलोक, सुनो आलोक एक बुत में बसी है जान कवि की, सुनो आलोक एक बुत में बसी है जान कवि की, सो वो महफूज है जब तक तो ही जिंदा रहेगा। सुनो आलोक एक बुत में बसी है जान कवि की, सो वो महफूज है जब तक तो ये जिंदा रहेगा। नई नस्लों के हाथों में भी ताबिंदा रहेगा, मैं मिल जाऊंगा मिट्टी में कलम जिंदा रहेगा।